कोरोना से दहशत में लोगों ने सफर के लिए बदला क्लास, बड़ी एसी की डिमांड, स्लीपर क्लास में आई 10% की गिरावट। चंडीगढ़ कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी, छाबड़ा के करीबी हरजिंदर बाबा का इस्तीफा, डॉक्टर ओपी वर्मा फिर बनेंगे कांग्रेसी। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए फिर जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में होगी झमाझम बारिश। बिखराव के कगार पर किसान आंदोलन, चढ़ूनी किसान मोर्चे के अलग योगेंद्र यादव पर सादा निशाना। पीएम मोदी 3 दिन लेंगे मंत्रियों की क्लास, अगले 3 साल का प्लान तैयार कर मीटिंग में आने का निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। जनपद एटा में छत पर सो रहे युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर ने छत पर सो रहे खेमकरण को लगभग रात 3 बजे चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा। हमलावर हत्या कर छत से कूदकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड के साथ SP ओपी सिंह व क्षेत्राधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। अज्ञात हमलावर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। पूरा मामला पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव बमनई का है। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आज सुबह NH2 के सहारे नाले में एक युवक का शव मिला है। जब सुबह वहां के वासिंदे घूमने निकले तो नाले में शव को देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को नाले से निकाल कर रखा और उसकी निशाक्त सुरेंद्र चंद कुशवा पुत्र चिरौंजी लाल कुशवा गाँव सहजलपुर शिकोहाबाद के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं सुरेंद्र चंद के पुत्र का कहना है कि हमारे परिवार में कुछ प्रोग्राम था, इसलिए मैंने पिताजी को जल्दी ही सब्जी मंडी शिकोहाबाद से घर भेज दिया था, पर वो घर नहीं पहुंचे। सूचना मिलने पर परिवार के सभी लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। अरे पिताजी है, वो भाई है, सॉरी भाई है, ये रास्ते में नीचे आए नहीं, ये डेड हो गई, पता नहीं कैसे। कहाँ मिले हैं ये? ये नाले में डले मिले हैं। ये कब से? हाईवे के किनारे नाला खुला पड़ा है उसमें। जी कब से ये गायब थे, क्या था ये? ये रास्ते नहीं आए और ये बिल्कुल थोड़ा लेट दुकान है सामने हमारी सब्जी की। जी कभी कभार लेट हो जाते हैं तो अपने रात में पता नहीं कैसे नाला खुला था, उसमें गिर गए। खबर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। जनपद हमीरपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने यमुना बेतवा में आई बाढ़ का हवाई सर्वे किया। बाढ़ पीड़ितों को सभी तरह की सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को जल शक्ति मंत्री ने निर्देश दिए। बाढ़ पीड़ितों के साथ सरकार है। खबर है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण कटान तेजी से हो रहा है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के पिकौरा गांव के दक्षिण पास से होकर बहने वाली राप्ती नदी का कटान इतना तेज हो गया है कि 2 मकानों को नदी ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। गाँव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले 3 दिन में लगभग 3 से 4 मीटर की कटान हुई है। लगातार कटान से खेत नदी में तब्दील हो गए हैं, जिससे गांव वाले दहशत के माहौल में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल नदी के कटान से गांव वालों का काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। समस्या कटान से साहब बहुत हमन का दिक्कत है, और 2 मकान तो गिर के चला गए और बगल में बांस के कोठी रहा वो भी गया। अब यह दिक्कत है साहब, हर साल 2 मीटर 4 मीटर कट रही है। ये एकदम घर गिरे वाला है साहब, ये एकदम घर गिरे वाला है साहब। हम लोग यह चाहते हैं साहब कि मतलब यहाँ कुछ इंजाम सरकार लगावे, इंजाम करे, ठोकर ओकर लगवा दे पत्थर के, हमें रिहाई कुछ करे। और कुछ गरीब मने हम लोग का कुछ है नहीं साधन की, न खेती है न बारी है कि कहाँ जाग बसे, वतन तो गिरे है, बस यही सरकार अभी क्यों नहीं आया साहब। खबर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। जनपद हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री जालौन का हवाई सर्वे करते हुए हमीरपुर पहुंचे और यहां पहुंचकर सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सिर्फ 2 जिले ही प्रभावित हुए हैं और वो दोनों जिले बुंदेलखंड इलाके के हमीरपुर और जालौन के हैं। इसके अलावा सूबे में कोई जिला बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ है। हमीरपुर पहुंचने के बाद जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की और उनको लंच पैकेट बांटे। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मंत्री ने पत्रकार वार्ता
करते हुए बताया कि हमीरपुर में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि बेतवा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है और सूबे में सिर्फ 2 ही जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 2 जिले हमारे, एक हमारा जालौन और एक हमारा ये हमीरपुर, ऐसे 2 जिले ही केवल अभी जल के बढ़ने के कारण से प्रभावित हुए हैं। बाकी किसी जिले में अभी ऐसी कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन यहाँ का भी जलस्तर 2-3 दिन के अंदर घट जाएगा। मंत्री जी, बगल का गांव है मेरा, उसकी कटान लगातार वर्षों से हो रही है। अभी कुछ बंधा निर्माण के लिए राशि भी आई थी, लेकिन काम में देरी हुई लगातार, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, ऐसा है कि हमीरपुर में मैं बड़ा काम करा रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए ऐतिहासिक काम हुआ है, और मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी भी देना चाहता हूँ कि भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ पर अब तक मार्च और अप्रैल में पैसा मिलता था, उसको योगी जी ने जनवरी में किया है, जिसके कारण से मानसून से पहले 242 परियोजनाओं को हम लोगों ने पूर्ण किया है, और उसी के कारण से मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।